इस वक्त की एक बड़ी खबर सीतामढ़ी जिले के बोखरा से आ रही है, जहां बुधनगरा गांव में रविवार की रात पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चली है। एसपी ने बताया कि सोमवार की अहले सुबह 3:30 बजे कई कांडों में वांटेड प्रिंस सिंह के विरुद्ध छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर प्रिंस सिंह समेत 4 अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस सिंह को गोली लग गई। प्रिंस की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई, जबकि अन्य 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों की पहचान स्थानीय निवासी नागेंद्र सिंह के पुत्र विशाल सिंह, नागेंद्र मिश्रा के पुत्र सोनू मिश्रा उर्फ गंगेश और सज्जन मिश्रा के पुत्र रूपेश मिश्रा उर्फ बमबम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रिंस सिंह पर शराब तस्करी, रंगदारी समेत कई मामले नानपुर और कटरा थाने में दर्ज है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना की दहशत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुधनगर गांव में के एमएनएल पे छापामारी के लिए पुलिस टीम गई थी। नानपुर थाना उपरी वजह की टीम छापामारी हेतु भोर में लगभग 3:30 बजे वहाँ पे बुधनगर गांव में एक जगह लोकेशन मिला था, तो लोकेशन के आधार पर छापामारी हेतु गई थी। तो उसी क्रम में जो अपराधी प्रिंस सिंह उर्फ नेपाली को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, उसके साथ में 3 अपराधी भी साथ में थे। इन लोग के द्वारा पुलिस टीम को देखते ही उस पर गोली चला दिया गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी एक गोली चलाई गई, जो कि प्रिंस सिंह उर्फ नेपाली के सीने में जाकर के गोली लगी और वो वहीं पर अचेत हो गया। पुलिस द्वारा माननीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें तुरंत फिर लेकर के हॉस्पिटल लोकल बोखरा PHC में ले जाया गया। वहाँ से FIR किया गया सदर हॉस्पिटल में, तो सदर हॉस्पिटल पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो जाने की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें तुरंत उसी समय स्पॉट से ही 3 अन्य जो अपराधकर्मी थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। जो अपराधी जिसकी मृत्यु हुई है उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है, उसमें मैगजीन लगा हुआ है। गोलियों की संख्या अभी मैगजीन निकाले जाने के कारण स्पष्ट नहीं है कि उसमें कितनी गोलियां हैं। तो पुलिस द्वारा एक त्वरित कार्रवाई की गई है। जो अपराधी जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी उसे भी जवाबी फायरिंग में घायल किया गया था, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। पुलिस एनकाउंटर का बनता है, अतः उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और NHRC का गाइडलाइन है एनकाउंटर डेथ को लेकर के उसका पालन किया जाए। हम लोग मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें करवाए हैं, साथ में मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके पोस्टमार्टम भी करवाया जाए। अन लीगल प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के तहत है वो हम लोग उसमें पूर्ण कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उस पर पूर्व का अधिक इतिहास है, अभी तक 5 मामलों के बारे में पता चला है, जिसमें 2 मामलों में वांछित होने की बात भी आई है, जिसमें कि एक में पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही थी। जो अन्य 3 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से भी एक विशाल सिंह का भी अपराधिक इतिहास मिला है। अन्य लोगों का अपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जो अपराधिक मामले इनके विरुद्ध दर्ज थे उसमें मुख्य रूप से रंगदारी और गोली चलाने के भी कांड दर्ज हैं और शराब के 2 मामले हैं, और उस एरिया में इनके संबंध में शराब के मामलों में लिप्त होने की भी स्थानीय लोगों द्वारा पुष्टि की जा रही है। तो एक पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो अपराधी है उनकी डेथ भी हुई है। सीतामढ़ी लाइव के फेसबुक पेज को फॉलो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप फेसबुक खोलेंगे, सर्च बॉक्स में जाकर SITAMARHILIVE सीतामढ़ी लाइव टाइप करेंगे। सबसे ऊपर में आपको पीले रंग का सीतामढ़ी लाइव का फेसबुक पेज नज़र आएगा, जिसे खोलकर आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। थैंक यू।